गाइस आज सुपर संडे है और आज खेले जाएंगे दो बड़े मैच। पहला मैच लखनऊ और केकेआर के बीच में, सेकंड मैच मुंबई वर्सेस चेन्नई। एक तरफ रोहित शर्मा, एक तरफ आपके एमएस धोनी। और एक चीज मैं आपको अभी क्लियर कर दूं, इन दोनों मैचों में आज बड़े स्कोर बनने वाले हैं। तो फिलहाल मैं यहां पर आपसे बात करूंगा पहले मैच के बारे में जो खेला जाएगा लखनऊ और केकेआर के बीच में। लेकिन उसके पहले मेरी तरफ से उन भाइयों को बहुत सारी बधाइयां जिन्होंने मेरा लास्ट लखनऊ के मैच का वीडियो देखा और ढेर सारा पैसा कमाया है। मैंने अकेले ने 27 लाख रुपए लखनऊ के मैच में विन किया था, जो दिल्ली के अगेंस्ट लखनऊ मैच हारा है। आज फिर से लखनऊ का मैच है, आज भी अगर आप इसी तरीके से कमाना चाहते हो तो भाई ये पूरा वीडियो देख लेना, ठीक है। मैं आगे आपको वीडियो में 27 लाख के विनिंग प्रूफ भी दिखाऊंगा और साथ में आपको बताऊंगा कि आज इस मैच में आप कैसे मेरी तरह लाखों रुपए विन कर सकते हो। आज का मैच लखनऊ में नहीं खेला जाएगा, ये मैच कोलकाता में खेला जाएगा और कोलकाता में इस सीजन में सिर्फ अभी तक एक ही मैच खेला गया है और वो मैच आपको याद होगा हैदराबाद, जो 2 रन से हार गई थी। तो मैं यहां पर आपसे बात करूंगा कि आज जब ये मैच कोलकाता में खेला जाएगा तो भाई स्कोर कितना बनेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट मैच मैंने आपको बताया था कुणाल पांड्या को विकेट नहीं मिलेंगे, तो क्या आज फिर से कुणाल पांड्या को विकेट नहीं मिलने वाले हैं? और अगर नहीं मिलेंगे तो किसको मिलेंगे? सुनील नारायण, जो हर मैच में 50-40 रन बना रहा है, क्या आज सुनील नारायण फिर से एक बार ऐसी इनिंग खेलने वाला है या इस मैच में फ्लॉप होने वाला है? हर प्लेयर के बारे में आपको डिटेल बता दूंगा और उसके बाद फिर जो आपकी फैंटेसी की टीम बनेगी, भाई आप स्मॉल लीग खेल लो, ग्रैंड लीग खेल लो, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर खेल लो, हर जगह आप विन करने वाले हो, ठीक है। तो सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज ये वीडियो पूरा देख लेना, क्योंकि जो लोग पूरा वीडियो देख रहे हैं वो हर प्लेटफॉर्म पे अच्छा खासा विन कर रहे हैं। यार मैं खुद विन कर रहा हूं तो आप तो विन करोगे ही ना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं सभी लोग विन करने के लिए खेल रहे हैं, सभी लोग पूरा वीडियो जरूर देखेंगे। और गाइस अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप आने वाले हर एक मैच में वीडियो देख करके अच्छी टीम बनाना चाहते हो, अच्छा विन करना चाहते हो, तो नीचे सब्सक्राइब बटन जल्दी दबा दीजिए और साथ में लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं मैच के बारे में, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जैसे लास्ट मैच की मैंने फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर दी थी और लोगों ने लाखों रुपए लास्ट मैच में विन किया था, अगर आपको फाइनल विनिंग टीम चाहिए तो भाई इस वीडियो को देखने के साथ साथ ना पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। यहां पर मैं टॉस के बाद फ्री में अपनी फाइनल टीम देता हूं। फैंटेसी क्रिकेट गुरु, 11 लाख से ज्यादा लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया हुआ, जिनको रोजाना टीम मिली, रोजाना विन कर रहे हैं। तो आप भी जाकर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में लिंक से अभी के अभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं ज्वाइन कर लिया होगा। अब बात कर लेते हैं फ्री गिव अवे के बारे में। हमेशा की तरह माई मैच 11 इस मैच में भी आपको 50,000 रुपए का फ्री गिव अवे लेकर आ गया है। तो जिन भाइयों ने माई मैच 11 आपको डाउनलोड किया हुआ, रोजाना अपनी टीम बना करके फ्री गिव अवे से ढेर सारा पैसा कमा रहे हैं, अगर आपने नहीं किया है तो अभी के अभी आप माई मैच 11 डाउनलोड कर लीजिएगा और साइन अप कर लीजिएगा। एक खास फीचर माई मैच 11 अभी लेकर आया है। भाई देखो, आपके पास, आपको पता है, टाइम नहीं होता है ग्रैंड लीग की टीम बनाने का। माई मैच 11 पर आप एक क्लिक में 25 टीमें बना सकते हो। AI आपकी हेल्प करेगा टीम बनाने में, ठीक है। और वो टीमें जो AI बना सकता है वो आप नहीं बना सकते, क्योंकि उन AI के पास पूरा डाटा होता है कि किस प्लेयर को कैसे हमने किस टीम में लेना है। एक बार आप माई मैच 11 ऐप डाउनलोड करके AI की हेल्प से टीम बनाकर देखेगा, बहुत मजा आने वाला है। आपको बताइए, एक तो यहाँ पर फ्री गिवअवे मिल रहा है, दूसरा आपको यहाँ पर 25 टीमें एक क्लिक में मिल रही हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टमेंट करने पर 2 करोड़ रुपए का लीडरबोर्ड आप यहां पर जीत सकते हो, जिसमें फर्स्ट रैंक पे मर्सिडीज कार मिल रही है। तो जाओ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में लिंक से जाकर माई मैच 11 ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब गाइस बात कर लेते हैं मैच के बारे में। तो मैच कोलकाता में खेला जाएगा, आपको पता है इस ग्राउंड पे ढेर सारे रन बनते हैं, है ना। और लास्ट मैच जो खेला गया था उसमें भी आपने देखा क्लासन ने किस तरीके से बैटिंग करी थी, हालांकि हैदराबाद वो मैच 2 रन से हार गया था। एक बार फिर से ये पिच अच्छी होगी बैटिंग के लिए और अच्छा हाई स्कोर आपको देखने को मिलेगा, और जो विकेट गिरेंगे उसमें मेरे हिसाब से अगर 10 विकेट गिरते हैं तो 7 विकेट पेसर्स खाते में जाएंगे और सिर्फ 3 विकेट ही स्पिनर्स को मिलने वाले हैं। हालांकि दोनों तरफ क्वालिटी स्पिनर्स हैं, बट फिर भी पेसर्स यहां पर हावी होने वाले हैं। और आपको पता है अभी टॉस नहीं हुआ है, अभी ये नहीं पता है कौन सी पिच पे मैच होगा, तो फाइनल जो पिच रिपोर्ट आएगी वो टॉस के बाद आएगी और टॉस के बाद मैं आपको टेलीग्राम पर फाइनल पिच रिपोर्ट दे दूंगा। लेकिन फिलहाल हम यहां पर देख लेते हैं लास्ट के कुछ मैचेस, ताकि आपको पिच अच्छे से समझ में आ जाए कि आखिरी के जो लास्ट मैच यहां पर खेले गए उनमें कैसी पिच रही थी, किसका कितना स्कोर बनेगा और आज पिच कैसी रहने वाली है। गाइस अगर हम लास्ट के मैचेस देखें तो इस ग्राउंड पर 87 खेले गए, 87 में से 37 मैच बैटिंग वाली टीम ने जीते हैं और चेजिंग साइड ने 50 मैच जीते हैं। मतलब चेज करना यहाँ पर थोड़ा सा आसान होता है, तो जो भी टीम टॉस जीतेगी वो फील्डिंग करने का फैसला ले सकती है। और साथ ही साथ अगर एवरेज स्कोर हम देखें तो 164 का है,
जो कि थोड़ा सा आप कह सकते हो इन दोनों जो स्कोर बन रहा है उससे कम है, क्योंकि T20 का स्टैंडर्ड बढ़ा है और स्कोर आप देख रहे हो 185-190 एवरेज स्कोर इस टाइम पे माने जा रहे हैं। तो जिस टीम को पहले बैटिंग करनी है तो उसको कम से कम 185 रन तो बनाने होंगे अगर मैच में बने रहना है, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पर हाई स्कोर तो 235 का हाई स्कोर है जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है और ये कभी भी इस सीजन में टूट सकता है क्योंकि कोलकाता की बैटिंग इस टाइम पर नेक्स्ट लेवल हो रही है। तो ये हो गए लास्ट के मैचेस। अगर हम यहाँ पर इस सीजन का एक मैच देखें जो खेला गया है, तो लास्ट मैच जो खेला गया था 23 मार्च को खेला गया था, लगभग 20 दिन पहले, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कोई मैच नहीं खेला गया। 208 बनाए थे केकेआर की टीम ने और 4 रन से ये मैच हैदराबाद हार गई थी, मतलब हाई स्कोर मैच और उसको लगभग चेज भी किया गया। अगर हम विकेट्स की बात करें तो 9 विकेट पेसर्स को मिले थे और 4 विकेट स्पिनर्स को मिले थे, और यही मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर 10 विकेट गिरते हैं तो 10 में से 7 विकेट पेसर्स के खाते में लगभग जाने चाहिए, ये लास्ट के मैच के हिसाब से। बाकी उसके पहला मैच 2023 में खेला गया था इसी लखनऊ और केकेआर के बीच में, उस मैच में भी हाई स्कोरिंग मैच था, लखनऊ 176 बना करके मैच 1 रन से जीत गई थी, मतलब बहुत ही करीबी मुकाबला था। इस मैच में आप देखोगे पेसर और स्पिनर बराबर रहे थे, 7 पेसर को मिले थे, 7 स्पिनर्स को मिले थे, क्योंकि दोनों टीम्स के पास स्पिनर्स क्वालिटी वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं था, यहाँ पर हैदराबाद के पास उतने क्वालिटी स्पिनर्स नहीं थे, इसकी वजह से यहाँ पर स्पिनर्स को ज़्यादा विकेट नहीं मिले थे। तो ये है लास्ट के 2 मैचेस, उसके पहले मैच खेले गए, बाकी उसको हम देखेंगे नहीं। तो अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि पिच कैसी होगी, हालांकि जो फाइनल पिच रिपोर्ट होगी मैं आपको टेलीग्राम पे दे ही दूंगा, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। अब देखो लास्ट के अगर हम मैचेस देखें तो जो विकेट गिरे हैं उसमें पेसर्स को 23 विकेट मिले हैं और स्पिनर्स को भी 23 मिले हैं, लेकिन वो पिछले सीजन के हैं, इस सीजन में पेसर्स को थोड़े से ज्यादा विकेट मिले हैं। तो ये होगी पिच रिपोर्ट की बात। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था कि मैंने लखनऊ और दिल्ली के मैच में 27 लाख रुपए की विनिंग करी है, जी हाँ, प्रोमो पे 2 क्वेश्चंस के मैंने आंसर दिए थे और दोनों सही। अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से मैंने 27 लाख रुपए विन किए हैं। तो अगर आप भी इसी तरीके से पैसा विन करना चाहते हो तो भाई प्रोमो बेस्ट है। आपने कोई कैप्टन सेलेक्ट नहीं करना, कोई वाइस कैप्टन सेलेक्ट नहीं करना, आपने कोई टीम नहीं बनानी, जस्ट आपने अपना ओपिनियन देना यस और नो में। लोग यहां से लाखों कमा रहे हैं, आप मेरे को भी देख लो, 7-7, 8-8 करोड़ रुपए कमा के लोग यहां पे बैठे हुए हैं। तो जिसने अभी तक प्रोमो को डाउनलोड नहीं किया है आप प्रोमो डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी बात करें आज के मैच के बारे में तो मेरे हिसाब से आज लखनऊ एक बार फिर से इस मैच को हारने वाला है। तो अगर आपको भी लगता है कि लखनऊ इस मैच को हारने वाला है तो आप भी मेरी तरह ढेर सारा पैसा इस मैच में ओपिनियन देकर कमा सकते हो, कहां पर, प्रोमो पे। तो चलिए मैं आपको प्रोमो पे कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूं कि आज के मैच में क्या क्या क्वेश्चंस आपको प्रोमो पे दिखेंगे और किस तरीके से आप उनका यस और नो में आंसर देकर पैसा कमा सकते हो। अब मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूं जो लास्ट मैच हुआ था लखनऊ और दिल्ली का, उसमें क्या क्वेश्चंस के मैंने ओपिनियन दिए थे और कितना विन किया है। देखो लखनऊ क्या पहले 3 ओवर में 25 रन बना लेगा, यार एक तरफ आपके डिकॉक जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं तो आप नो तो कर नहीं सकते। मैंने यस किया और 7 लाख रुपए लगाने पर मेरे को 14.5 लाख का रिटर्न मिला है, इसलिए मैं बोलता हूं अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आप प्रोमो पे जाकर इन्वेस्ट करिए, वहां पर अपना ओपिनियन दीजिए। दूसरा क्वेश्चन था क्या मुकेश कुमार 2 विकेट निकाल पाएंगे, ये भी मेरे को थोड़ा सा लगा था कि मुकेश क्या 2 विकेट तो नहीं ले पाएगा, तो इसको भी मैंने नो किया और 6 लाख रुपए लगाने पर मेरे को लगभग 12.5 लाख रुपए यहां पर भी रिटर्न मिला है। तो इतनी आसानी से ना कैप्टन सेलेक्ट करना है, ना वाइस कैप्टन सेलेक्ट करना है, ना टीम बनानी, जस्ट आपने यस और नो करना है और पैसे कमा लेने। तो जिन भाइयों ने प्रोमो को डाउनलोड नहीं किया है आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, कमेंट सेक्शन में जाइएगा, दोनों जगह पर मैंने प्रोमो का लिंक दे रखा है, आप जाओ मेरे लिंक से डाउनलोड करो, साइनअप करो, साइनअप करते वक्त मेरा रेफर कोड यूज कर लेना FCGIPL ताकि आपको 500 रुपये तक कोई भी अमाउंट जो आपका लक में हो सकता है 10, 20, 50, 200, 500 जितना भी हो सकता है वो आपको मिल जाएगा मेरा रेफर कोड यूज करने पर। अब गाइस आगे हम बात करें इस मैच के क्वेश्चंस की, तो 4 क्वेश्चंस मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, हालांकि इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रोमो में देखने को मिलेंगे। फिलहाल हम बात करें इन क्वेश्चंस की, क्या कोलकाता आज इस मैच को जीतने वाला है। भाई मुझे लगता है यार जीत रहेगा, इस तरीके से कोलकाता की टीम इस वक्त सेट हो रखी है, ठीक है, तो मैं इसको यस करूंगा, आप चाहो तो नो कर सकते हो। लखनऊ क्या आज पहले 3 ओवर में 1 विकेट निकाल लेगा, ये मेरे को लग रहा है निकाल लेगा, यार नारायण का तुक्का है हर बार तो नहीं चलेगा, ठीक है, तो मैं इसको यस करूंगा, आप चाहो तो नो कर सकते हो अगर आपको लगता है कि नारायण आउट नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन, क्या कोलकाता पहले 3 ओवर में 25 बना लेगा, इसको आप यस कर सकते हो, नारायण विकेट तो फेंक देगा लेकिन ऐसी कंडीशन बना देगा कि 3 ओवर में 25 तो बनी जाएंगे, ठीक है। उसके बाद रवि बिश्नोई क्या आज 2 विकेट निकाल पाएगा, पिछले मैच में रवि बिश्नोई 2 विकेट निकाले थे बट आज मेरे हिसाब से मुश्किल है, तो इसको मैं नो करूंगा क्योंकि पिच वैसी नहीं जिस तरीके से लास्ट मैच की थी। तो इन क्वेश्चंस का आप यस और नो करके मेरी तरह ओपिनियन देकर प्रोमो पैसे कमा सकते हो। तो भाई जाइएगा, आपको मैंने बता दिया है कि आप जाकर डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हो। अब आगे हम बात करें फ्री गिवअवे की, तो आपको बताएं मैं आपको रोजाना 10,000 रुपये का फ्री गिवअवे देता हूं,
थोड़े से मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस पूछ करके, ठीक है, आप तुक्का भी दे सकते हो, आप सही प्रिडिक्शन भी कर सकते हो, ठीक है। तो आज मैं आपको क्वेश्चंस यहाँ पर बता देता हूँ। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि श्रेयस अय्यर आज कितने रन बनाने वाले हैं, आपको क्या लगता है? अभी तक उनका एवरेज स्कोर रहा है 25 से 35 के आसपास। तो आपने एक एग्जैक्ट नंबर बताना है, चाहे प्रिडिक्शन करो चाहे तुक्का मारो। अगर आपका तुक्का भी ड्यू हो गया तो आपको फ्री में 10,000 रुपये मिल सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि आज माई मास्टर में सबसे ज़्यादा पॉइंट कौन देगा, नारायण, रसल या कोई और, जो भी आपके माइंड में आता है आप कमेंट करके बता सकते हो। तीसरा क्वेश्चन, रवि बिश्नोई जिन्होंने लास्ट मैच में 2 विकेट निकाले थे, आज कितने विकेट निकालने वाले हैं? तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। आप जाओ कमेंट सेक्शन में, टाइप करो #LSG vs KKR और तीनों क्वेश्चंस के आंसर दे दो। अगर आप सबसे पहले सही आंसर देने वाले 2 लोगों में हुए तो आपको मेरी तरफ से 5,000 रुपये गिफ्ट में मिलने वाले हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशन है, आपने वीडियो को लाइक करा होना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब करा होना चाहिए। अब आगे हम बात कर लेते हैं आपसे प्लेइंग 11 के बारे में। गाइस, प्लेइंग 11 अगर हम देखें तो सबसे पहले देखेंगे आपके लखनऊ की, इसमें क्विंटन डीकॉक और आपके केएल राहुल ओपनिंग करेंगे। एक चेंज लखनऊ को कर लेना चाहिए, मैं बार बार लखनऊ वालों को बोल रहा हूँ कि भाई देवदत्त पट्टिकल को बाहर करो, इसकी जगह पर आप हुड्डा को डायरेक्ट प्लेइंग 11 में लेकर आओ। 4-5 मैच खेल लिए, अभी तक 10 रन क्रॉस नहीं कर पाया बंदा, क्या ही फायदा खिलाने का। तो हो सकता है इस मैच में लखनऊ को समझ में आ जाए और इनकी जगह पर दीपक हुड्डा को डायरेक्ट प्लेइंग 11 में लेके आ जाए। उसके बाद स्टॉइनिस है, फिर आपके निकोलस पूरन है और फिर आपके आयुष बदौनी है, लास्ट मैच में काफी अच्छी इनिंग खेली थी। कुणाल पांड्या है, अरशद खान है, इनकी जगह पर भी आपको मोहसिन खान खेलते हुए दिख सकते हो, मेरे हिसाब से खेलना चाहिए, ठीक है। नवीनुल हक के आपके यश ठाकुर है, बहुत अच्छी फॉर्म में, रवि बिश्नोई लेग स्पिनर, और यहाँ पर अगर ये प्लेइंग 11 में आते हैं तो आपको इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आप तो के गौतम दिखेंगे या आपके एम सिद्धार्थ दिखेंगे, ठीक है। तो ये इनकी प्लेइंग 11 है। अब गाइस इसमें देखिए, इनके पास अगर ये खेलते हैं तो फिर इनके पास लेफ्टीज ढेर सारे हैं, मतलब हर दूसरा तीसरा बैट्समैन लेफ्टी रहेगा। अगर ये बाहर चले जाते हैं तो फिर लेफ्टीज कम हो जाएंगे और सीधा डीकॉक के बाद आपके निकोलस पूरन 5वें नंबर का बैट्समैन लेफ्टी आएगा, ठीक है। तो ऐसे में निकोलस पूरन अगर ये खेलते हैं तो फिर आपके नारायण के ओवर थोड़े से बाद में आएंगे और बाद में नारायण ओवर करेगा तो ज़्यादा विकेट मिलने के चांस होंगे। तो इसलिए नारायण पर आज कैप्टन वाइस कैप्टन का आप रिस्क ले सकते हो। अब गाइस इस टीम में मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, आपके जो डेथ ओवर्स के बॉलर्स होंगे अगर सेम प्लेइंग 11 होती है तो यश ठाकुर और नवीनुल हक होंगे, ठीक है। अगर आप अरशद खान से डेथ ओवर की उम्मीद कर रहे हो तो मत करिएगा, ठीक है। तो ये होगी आपके लखनऊ की प्लेइंग 11। अब इसमें से हमारी टीम में कौन कौन से प्लेयर होंगे और क्यों होंगे मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं डीकॉक के साथ जाऊँगा, मैं केएल राहुल के साथ जाऊँगा। अगर पर्टिकल खेलते हैं तो आप रिस्क के तौर पर तो ले सकते हो, बाकी सेफ ऑप्शन तो ये नहीं है जिस तरीके से फॉर्म में है। स्टॉइनिस आप ले सकते हो, मैं स्टॉइनिस को आज टीम में नहीं ले रहा हूँ, क्यों रीज़न आपको आगे बताऊंगा। निकोलस परन मेरी टीम में होंगे, उसके बाद मैं यहाँ पर लूँगा आपके कुणाल पांड्या को। लास्ट मैच में मैंने कुणाल पांड्या को नहीं लिया था, आज मैं बोल रहा हूँ कुणाल पांड्या को ले लीजिएगा, ठीक है। अच्छा परफॉर्मेंस आज कुणाल पांड्या देने वाले हैं। उसके बाद नवीनुल हक मैंने लिया हुआ है, आप चाहो तो इनके यहाँ पर यश ठाकुर को ले सकते हो जो कि अच्छे खासे विकेट निकाल रहे हैं। तो ये 5 प्लेयर मैंने लखनऊ की तरफ से लिए हुए हैं। अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ मैं क्यों ले रहा हूँ। देखो भाई, डीकॉक 2 इनिंग अच्छी आई, उसके बाद 3 मैचों में फ्लॉप रहे, लेकिन इस टीम के अगेंस्ट अगर आप देखोगे तो 28 रन, 140 रन, 50 रन, 55 रन, 78 रन, मतलब फ्लॉप ही नहीं हो रहा, 37 का एवरेज है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है रिसेंट के मैचों में कोलकाता के अगेंस्ट। हालांकि इस ग्राउंड पर थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, 28 रन हाई स्कोर रहा है पिछले 5 मैचों में और 11 का एवरेज है। तो इस चीज़ को देखते हुए आप डीकॉक को ड्रॉप कर सकते हो, इस ग्राउंड में फ्लॉप ज़्यादा होते हैं, लेकिन हेड टू हेड में ठीक कर रहे हैं और थोड़ा अग्रेसिव खेल रहे हैं तो हो सकता है जल्दी विकेट फेंक के चले जाएँ। आपके केएल राहुल है, केएल राहुल का रिसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छा है और इस टीम के अगेंस्ट भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, 41 का एवरेज है केएल राहुल का। इस ग्राउंड पर भी आप देखोगे तो पिछले 4 मैचों में से 2 हाफ सेंचुरी आई है, ठीक है। कैप्टन वाइस कैप्टन की अच्छी ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन नारायण और रसल के होते हुए थोड़ा इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना रिस्की होएगा। देवदत्त पट्टिकल आप देखो 10 रन भी नहीं बना पाया बंदा किसी मैच में, इस टीम के अगेंस्ट भी सिर्फ 21 का एवरेज है। इस ग्राउंड पर एक ही मैच खेला, वो आरसीबी की तरफ से आई थिंक खेला था, उसमें 28 बनाए थे इन्होंने। अब देखो स्टॉइनिस में क्यों नहीं ले रहा, रिसेंट में आप देखो लास्ट मैच में 8 जरूर बनाए थे, उसके पहले यहाँ पर इन 2 मैचों में परफॉर्मेंस किया था, उस बाकी 3 मैचों में फ्लॉप है। वो छोड़ दो, आप इस टीम के अगेंस्ट देखो इनको 11 मैचों में सिर्फ 16 का एवरेज है, हालांकि 8 विकेट निकाले हुए हैं, यहाँ पर इन्होंने अपना थोड़ा बराबर किया हुआ है, तो हेड टू हेड में थोड़ा सा एवरेज है, लेकिन इस ग्राउंड पे ये डीकॉक से भी ज़्यादा बुरा खेलते हैं। 5 मैचों में सिर्फ 35 रन है और 1 ही विकेट मिला है, 8 का एवरेज है स्टोरीज का। तो इन चीज़ों को देखते हो आप ड्रॉप कर सकते हो, हालांकि बैट्समैन 10 मैचों में फिलऑफ होने के बाद भी एक अच्छी इनिंग खेल जाता है, वो आपका लक है। अब इसके बाद निकोलस पूरन की बात करें, निकोलस पूरन लास्ट मैच में सिर्फ फ्लॉप हुए, उसके पहले नॉट आउट अच्छे स्कोर कर रहे थे और इस टीम के अगेंस्ट ठीक है, 27 का एवरेज है, बहुत बुरा नहीं है, लेकिन इस ग्राउंड पे भाई 4 मैच 4 हाफ सेंचुरी, ये निकोलस पूरन है,
तो आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, क्योंकि ये जब खेलते हैं तो बड़ी इनिंग खेल के जाते हैं। आयुष बदौनी है, लास्ट में 55 बनाए लेकिन भरोसेमंद नहीं है, थोड़ा सा डाउन आते हैं और हिट एंड मिस टाइप प्लेयर है। उसके बाद आप देखिए आपके कुणाल पांड्या, कुणाल पांड्या का लास्ट मैच मैंने आपको बोला था मत लीजिएगा, इन्होंने 0 विकेट लिया, उसके पहले मैच में 3 विकेट लिए थे और हमारे वाइस कैप्टन थे। बाकी अगर हम हेड टू हेड की बात करें तो हेड टू हेड में आप देखो 14 मैचों में 21 के एवरेज से इन्होंने रन बनाए, जो कि ठीक है, बहुत बुरा नहीं है एक ऑलराउंडर के लिए। विकेट 8 निकाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर हम ग्राउंड की बात करें, ग्राउंड में इन्होंने 6 मैचों में 5 विकेट लिए, जो कि ठीक ठाक है, आराम से आपको 30-35 पॉइंट दे ही सकते हैं। अब अरशद खान की बात करें, वैसे तो ये खेल रहे हैं लेकिन ये प्रॉपर पूरे 3-4 ओवर बॉलिंग नहीं कराएंगे, 2 ओवर 3 ओवर उससे ज़्यादा इनको बॉलिंग मिलेगी नहीं। लास्ट में जब 0 विकेट मिला था उसके पहले सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 0-0 खेल रहे थे, तो इनके लिए कोई ज़्यादा फायदा है नहीं। आपके नवीनुल हक है, नवीनुल हक अच्छा कर रहे हैं, 1 विकेट तो एटलीस्ट इनको मिल ही जाता है, लेकिन इस टीम और इस ग्राउंड पर 1 भी विकेट अभी तक नहीं मिला है एक ही मैच जो उसने खेला है। अब गाइज आपके यश ठाकुर की बात करें, लास्ट मैच में तो 1 मिला था लेकिन उसके पहले 5 विकेट लिए थे, और इस आईपीएल में अभी तक इन्होंने 4 मैचों में 7 विकेट ले चुके हैं। इस टीम के अगेंस्ट एक ही मैच खेला था उसमें 2 विकेट लिए हुए, डेथ में बॉलिंग कराते हैं, आपके काम आ सकते हैं। रवि बिश्नोई है, रवि बिश्नोई को लास्ट मैच में 2 विकेट मिले थे और इस टीम के अगेंस्ट भी लास्ट में 2 विकेट मिले थे और इस ग्राउंड पे भी 2 विकेट मिले थे, तो ठीक ठाक कर रहे हैं रवि बिश्नोई, लेग स्पिनर है, आप चाहो तो ले सकते हो। दीपक हुड्डा अगर डायरेक्ट प्लेइंग 11 में आते हैं तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि इनका बैटिंग ऑर्डर प्रमोट कर दिया जाएगा, हो सकता है देवदत्त पड्डीकल की जगह पर वन डाउन ही बैटिंग करने के लिए आ जाए, तो इनको आप ट्रंप प्लेयर के तौर पे यूज कर सकते हो। अगर ये चले तो फिर आप स्मॉल लीग खेल रहे हो, ग्रैंड लीग खेल रहे हो, कुछ भी खेल रहे हो भाई, आपको कोई हराने वाला नहीं है, ये चीज आप याद रखिएगा। अब आगे हम बात कर लेते हैं आपसे इनकी जो स्क्वाड है, जो बेंच है, उसमें मोहसिन खान है। मोहसिन खान ने पहले 2 मैच खेले, 2 मैचों में इन्होंने 3 विकेट निकाले लेकिन उसके बाद बाहर कर दिए गए, और सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में काफ़ी अच्छा कर रहे थे, तो मेरे हिसाब से अगर फिट होते हैं तो ये डायरेक्ट आपके अरशद खान की जगह पर प्लेइंग 11 में आएंगे, क्योंकि लेफ्ट आर्म वो भी है, लेफ्ट आर्म ये भी है, तो मेरे हिसाब से उनको खिलाने कोई ज़्यादा सेंस बनता नहीं है। अगर हम बात करें एम सिद्धार्थ की, तो एम सिद्धार्थ खेल सकते हैं, या तो एम सिद्धार्थ या तो आपके के गौतम, ठीक है, ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, वो राइट आर्म ऑफ ब्रैक है और बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं आपके के गौतम, तो उनमें से कोई एक खेलेगा। के गौतम का सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा था, मैं प्रीफर करूंगा के गौतम खिलाई, क्योंकि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स आपके पास ऑलरेडी कुणाल पांड्या मौजूद है, तो ये इनकी टीम है। अब इसमें अगर कुछ चेंज होता है प्लेइंग 11 वगैरह में तो हर एक चीज़ मैं आपको टेलीग्राम पर बता ही देता हूँ, फाइनल टीम दे देता हूँ, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। अब आप यहाँ पर कोलकाता की प्लेइंग 11 देखोगे तो इसमें फिलिप साल्ट, सुनील नारायण ओपनिंग करेंगे, और क्या ताबड़तोड़ ओपनिंग कर रहे हैं आप सब हर मैच में देख ही रहे हो। अंग्रेश रघुवंशी भाई पहले मैच में आती ताबड़तोड़ इनिंग, दूसरे मैच में भी 24 रन बनाए, मतलब बंदा फेयरलेस खेल रहा है, और आपकी ग्रैंड लीग में काफ़ी काम आ सकता है, बहुत सारे लोग स्मॉल लीग में भी इसको ट्राई करने वाले हैं। अय्यर है, अय्यर अच्छा खेल रहे हैं, अपनी डिसेंट इनिंग खेल रहे हैं, 35-40 बना रहे हैं हर मैच में। उसके बाद वेंकटेश अय्यर जो वन डाउन खेलते थे उनको बहुत नीचे प्रमोट किया जा रहा है, बहुत डिमोट किया गया है, तो मेरे हिसाब से वेंकटेश अय्यर को लेने का कोई ज़्यादा फायदा होगा नहीं, आप ग्रैंड लीग वगैरह में ट्राई कर सकते हो। उसके बाद रिंकू सिंह है, अंद्रसेल है, रमनदीप सिंह, स्टार्क, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोरा, ये इनकी लाइनअप होगी। अब इसमें इंपैक्ट प्लेयर जो होंगे वो आपके अनुकूल रॉय या आपके हर्षित राणा होंगे, ठीक है। अगर स्पिनर की जरूरत पड़ी तो आपके अनुकूल रॉय आ जाएंगे, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के जब लेके आएंगे जब दीपक हुड्डा खेलेंगे, अगर दीपक हुड्डा नहीं खेलेंगे तो मेरे हिसाब से लेके नहीं आएंगे। अब गाइस इस टीम में आप देखिए इनके पास लेफ्टीज, ये नारायण है, अगर नारायण जल्दी आउट हो जाते हैं तो फिर यहाँ तक इनके पास एक भी लेफ्टी नहीं है, ठीक है। और कुणाल पांड्या की खास बात ये है कि वो स्टार्टिंग में ओवर कराते हैं, ठीक है, और स्टार्टिंग में ओवर कराते हैं तो आपको कुणाल पांड्या, रघुवंशी जैसे प्लेयर्स को आउट करके जा सकते हैं। और रघुवंशी से मेरे को याद आया, आपको प्रोमो में रघुवंशी से लेकर भी एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि क्या रघुवंशी आज प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। यार जिस तरीके से बंदा खेल रहा है कि आपको लगता है कोलकाता इनको बाहर कर देगी, तो आप रघुवंशी को जाकर के प्रोमो पे सीधा सीधा यस करके पैसा कमा सकते हो। इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपने प्रोमो को डाउनलोड नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत सारा पैसा आप यहाँ से कमाने वाले हो। अब उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पर अंद्रसेल की, ये बंदा भाई क्या क्रिकेट खेलता है, और उनकी कोई आप मान रहे हो ना कि इनका बैटिंग ऑर्डर ये है, इनका कोई बैटिंग ऑर्डर फिक्स नहीं है, जहाँ टीम को जरूरत पड़ेगी वहाँ पर इनको प्रमोट किया जाएगा, तो कैप्टन वाइस कैप्टन की सबसे सेफ ऑप्शन होंगे अंद्रसेल। अब गाइज इस टीम में आप बॉलर्स देखिए, एक तो आपके राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर नारायण, इनके 3-4 ओवर कंफर्म है और इस ग्राउंड पे खासतौर पे इस टीम के अगेंस्ट अच्छा करते हैं। उसके बाद आप देखो कि वैभव अरोरा, आपके मिचेल स्टार्क और अंद्रसेल, ये इनके पास 3 पेसर हैं, ठीक है। अगर हर्षित राणा खेलते हैं तो 4th पेसर आ जाएंगे, बाकी स्पिनर में आपके पास वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण और अनुकूल रॉय। अब गाइस इस टीम में से मेरी टीम में कौन कौन से प्लेयर होंगे,
भाई मैं ये दोनों ओपनर्स को लूंगा, उसके बाद मैं रघुवंशी और अय्यर, इसमें अय्यर को प्रीफर करूंगा एक्सपीरियंस तो थोड़ा टेक्निक की वजह से इनको थोड़ा प्रीफर करूंगा, 35-40 रन में जो बना ही रहे हैं। वेंकटेश अय्यर और रिंकू सिंह को ड्रॉप करूंगा, रिंकू को आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। अंदरसेल को टीम में लूंगा, उसके बाद मैं आपके स्टार को लूंगा और आपके वैभव अरोरा को लूंगा। ये मेरे 6 प्लेयर इस टीम से हैं, ठीक है। अब इसमें अगर कोई चेंज होगा प्लेइंग 11 में या फिर टॉस के हिसाब से तो मैं आपको टेलीग्राम बता दूंगा। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ मैं क्यों किसको ले रहा हूँ। आपके फिलिप साल्ट है, लास्ट के 4 मैचों में पहले मैच में स्कोर किया, उसके बाद थोड़ा कम फिर 0 पे आ गए, लेकिन जहाँ पे 54 बनाया था वापस इसी ग्राउंड पे ये आज खेलने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से फिलिप साल्ट एक अच्छी इनिंग खेल सकते हैं। उसके बाद आपके सुनील नारायण, पहले मैच में 1 विकेट निकाला था, 2 रन पर आउट हो गए थे, 2 रन पर रन आउट हुए थे, उसके बाद ये बंदा पीछे मुड़ गया, इसने देखा नहीं, 47-85-21-27 और हर मैच में 1 विकेट भी मिला है। इस टीम के अगेंस्ट अगर आप देखोगे तो 3 मैचों में 44 रन बनाए, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा कम है, और कम इसलिए है क्योंकि पिछले 2-3 सीजन से ये ओपनिंग नहीं कर रहे थे। अब गाइस अंग्रेज को आप देखिए, अंग्रेज ने पहले 2 मैचों में धमाका किया है और इसकी वजह से आप ग्रैंड लीग में इनको ज़रूर ले सकते हो और कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो। वह आपके वेंकटेश अय्यर है, 34-18-39 ये लास्ट की 3 इनिंग है और इस टीम के अगेंस्ट आखिरी मैच 50 आए थे और ग्राउंड पर लास्ट मैच अगर आप छोड़ दो तो इन्होंने 25-30 हर मैच में बनाए हैं, ठीक है। आपके वेंकटेश अय्यर हैं, थोड़ा डाउन आ रहे हैं बैटिंग में, 1 मैच में 50 बनाए थे, उसके बाद सीधा 5वें-6 नंबर भेज दिया, तो कोई फायदा इनको लेने का है नहीं स्मॉल लीग में। रिंकू सिंह है, इस सीजन उतनी अच्छी बैटिंग नहीं आ रही इतनी लास्ट सीजन आई थी, ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग में लेने को उतना ज़्यादा फायदा होगा नहीं। हालांकि रिंकू सिंह का मैं आपको बता दूँ, लास्ट की जो इन्होंने इनिंग खेली थी इस टीम के अगेंस्ट 67 रन की और 40 रन की खेली थी, और ड्रीम टीम का कैप्टन था लास्ट मैच में रिंकू सिंह इसी टीम के अगेंस्ट। अब गाइस उसके बाद आप देखिए आपके अंदर रसल है, रसल का आप देखेंगे तो लास्ट मैच में 10 बनाए थे, विकेट नहीं मिला था, लेकिन उसके पहले 41 रन 1 विकेट 2 विकेट 64 रन 2 विकेट, कैप्टन का बहुत अच्छी चॉइस होंगी। और इस ग्राउंड पे जो लास्ट मैच खेला था उसमें 64 रन बनाए थे और 2 विकेट निकाले थे हैदराबाद के अगेंस्ट। रमनदीप सिंह को लेने कोई फायदा नहीं है। आपके मिचेल स्टार्क एक ही मैच में विकेट मिला है और 2 विकेट मिले, उसके अलावा लगातार फ्लॉप रहे हैं, आप तो ले सकते हो चाहे तो ड्रॉप कर सकते हो। अब चूंकि बहुत ज़्यादा पैसे दिए हैं कोलकाता ने तो यार लेना बनता ही है क्योंकि 4 ओवर तो पूरे डालेंगे। वरुण चक्रवर्ती, इनको भी उतनी ज़्यादा सफलता मिली नहीं है, एक ही मैच में 3 विकेट मिले हैं, इस टीम के अगेंस्ट उतने ज़्यादा सक्सेसफुल रहे नहीं है इस ग्राउंड पर, हालांकि अच्छा करते हैं, 9 मैचों में 12 विकेट निकाले हुए, तो आप इनको ट्राई कर सकते हो। स्टार को नाले करके वैभव अरोरा, 2 मैच 5 विकेट, काफ़ी अच्छा, इसी टीम के अगेंस्ट 1 मैच खेला था लास्ट सीजन में, उसमें 2 विकेट निकाले थे, ग्राउंड पर भी ठीक ही कर रहे हैं। अनुकूल रॉय, 2 मैचों में 0 विकेट है और मेरे हिसाब से इस मैच में शायद ये इम्पैक्ट प्लेयर नहीं होंगे। नीतीश राणा, हर्षित राणा इम्पैक्ट प्लेयर हो सकते हैं, 2 मैच इन्होंने खेले इस सीजन में, 2 मैचों में 5 विकेट निकाले और इस ग्राउंड पे 5 मैचों में 7 विकेट निकाले हुए हैं, तो मेरे हिसाब से हर्षित राणा को आना चाहिए और अगर आते हैं तो आप ले सकते हो क्योंकि डेथ में भी ये बॉलिंग करा सकते हैं, 1 मैच में कराई हुई है। तो ये हो गई आपके कोलकाता की प्लेइंग 11। अब गाइस आगे हम देख लेते हैं कुछ प्लेयर बैटल कि भाई देखो जब आपके लखनऊ बैटिंग करेगी तो इसमें आपके कोलकाता के कौन कौन से बॉलर्स किस किस को परेशान कर सकते हैं। डिकॉक, नारायण इनको सीधा सीधा परेशान करते हैं, 54 बॉल में सिर्फ 51 रन खर्च करके इन्होंने 3 बार आउट किया है। इसके अलावा आप देखोगे वरुण चक्रवर्ती आपके निकोलस पुरन को ठीक ठाक परेशान करते हैं, 30 बॉल में 2 बार आउट किया है, माफ़ कीजिएगा वरुण चक्रवर्ती नहीं, आपके रसल आपके पुरन को 81 बॉल में 4 बार आउट कर चुके हैं। और आपके यहाँ पर रसल स्टोइनिस को सिर्फ 14 बॉल में 3 बार आउट कर चुके हैं। स्टोइनिस का फॉर्म इस ग्राउंड पर अच्छा नहीं है, इस टीम के अगेंस्ट अच्छा नहीं और रसल के अगेंस्ट ये स्ट्रगल करते हैं, इसकी वजह से मैं स्टोइनिस को ड्रॉप कर रहा हूँ, आप चाहो तो ले सकते हो। अब गाइस आगे आप देखिए यहाँ पर रसल और रिंकू, नवीन और बिश्नोई से सीधा सीधा परेशान होते हैं। नवीन ने रसल को 37 बॉल में 3 बार आउट किया और बिश्नोई ने तो सिर्फ 14 बॉल में 2 बार आउट किया आपके रिंकू सिंह को, ठीक है। तो बिश्नोई को आप डायरेक्ट अटैक पर देख सकते हो जैसे ही रिंकू सिंह बैटिंग पे आएंगे, क्योंकि हर टीम के पास ये डेटा होता है और कोई भी टीम इस डेटा के अकॉर्डिंग ही अपनी बॉलिंग लाइनअप सेटअप करती है। अब गाइस ये हो गई आपके प्लेयर बैटल, अब हम देख लेते हैं यहाँ पर जो पिछले सीजन्स की जो ड्रीम टीमें रही हैं दोनों टीम्स के हेड टू हेड मैचेस की, उनमें किस प्लेयर ने कैसा परफॉर्मेंस किया है, ठीक है। एक चीज़ तो आप कॉमन देखोगे, 3 के 3 मैच लखनऊ की टीम जीती है जो अभी तक दोनों टीम्स के बीच में खेले गए हैं, और तीनों मैचों में आप देखोगे हाई स्कोरिंग मैच रहे, 175 के ऊपर बनाए, ठीक है। और तीनों मैचों में एक चीज़ और कॉमन है, तीनों मैच लखनऊ ने पहले बैटिंग करते हुए जीते हैं। अब ड्रीम टीम में आप देखेंगे तो ड्रीम टीम में विकेट कीपर में आपके क्विंटन डिकॉक 3 में से 2 बार रहे और 1 बार ये कैप्टन भी थे, जिसमें लोकेश राहुल वाइस कैप्टन थे,
उस मैच की खास बात ये थी कि लखनऊ ने 20 ओवर में एक भी विकेट नहीं गंवाया था। ठीक है, अब ये हो गया आपके विकेट कीपर्स। एक मैच में आपके लोकेश राहुल ने, एक मैच में निकोलस पुरन ने, और अच्छी बात ये कि दो में से तीन में से दो बार जो कैप्टन रहा है वो विकेट कीपर रहा है ड्रीम टीम का। अब बैटिंग की बात करें तो आपके रिंकू सिंह लास्ट मैच के कैप्टन रहे थे जो दोनों टीम्स के बीच में खेला गया था, उसके पहले मैच में भी रिंकू सिंह ने 64 पॉइंट दिए थे, तो रिंकू सिंह ग्रैंड लीग के अच्छे पिक है। उसके अलावा आपके शिराज अय्यर इस मैच में 39 पॉइंट दे रहे हैं, इस मैच में 78 पॉइंट दे रहे हैं, और स्टोनिस 45 और इस मैच में 95 पॉइंट। तो ये कुछ प्लेयर है जो आपके रिपीट हो रहे हैं हर एक मैच में। बाकी इसके अलावा वेंकटेश अय्यर भी अच्छा कर रहे हैं। वेंकटेश अय्यर का आप देखोगे इस मैच में इन्होंने 53 पॉइंट दिए हुए हैं। और बाकी अगर हम ऑलराउंडर में देखें तो आपके इस वक्त के जो सबसे फॉर्म में है नारायण 57 पॉइंट, 33 पॉइंट, 66 पॉइंट, हर मैच में ड्रीम टीम का हिस्सा रहे हैं। और नारायण की तरह भी आपके यहाँ पर मोहसिन खान 87 पॉइंट और 47 पॉइंट, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मोहसिन खान को आज आप प्लेइंग 11 में देख सकते हो। तो ये हैं कुछ प्लेयर जो आप ड्रीम टीम में देख रहे हो लास्ट के तीन मैचेस में, इनको आपने मिस नहीं करना है भाई अगर आप ग्रैंड लीग जीतना चाहते हो। एक चीज़ और कॉमन आप देखोगे दोनों टीम्स के ड्रीम टीम में, कैप्टन वाइस कैप्टन जो रहे हैं ना ड्रीम टीम के भाई वो बैट्समैन रहे हैं। यहाँ पर बैट्समैन, यहाँ पर विकेट कीपर बैट्समैन, यहाँ पर ऑलराउंडर। ठीक है, तो दोनों टीमों का जब मैच होता है तो रन बनते हैं, विकेट थोड़े से कम गिरते हैं। अब आज के मैच में कौन कौन से प्लेयर हैं जो आपकी ड्रीम टीम का हिस्सा हो सकते हैं, जो आपको ग्रैंड लीग जिता सकते हैं। बैटिंग में अगर दीपक हुड्डा खेलते हैं तो आप दीपक हुड्डा को ड्रॉप मत करिएगा, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ग्रैंड लीग में वेंकटेश अय्यर बैटिंग उतनी आती नहीं है, आप रघुवंशी को ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग की टीम में। उसके अलावा ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो कुणाल पांड्या आज ग्रैंड लीग के अच्छे पिक होंगे, और उनके साथ में आपके मार्कस स्टोइनिस स्मॉल लीग में नहीं चलेंगे लेकिन अगर चले तो आपको सीधा ग्रैंड लीग जितवाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ प्लेयर है। इसमें बॉलिंग में आपके रवि बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती कभी कभी 3-4 विकेट इजीली लेके जाते हैं, और जब लेके जाते हैं तो ड्रीम टीम का सीधा कैप्टन बनते हैं। तो इन प्लेयर्स को आप ड्रीम टीम में रख सकते हो और अपनी टीम के कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। बाकी अगर आपको फाइनल ग्रैंड लीग की टीम चाहिए, अगर आपको फाइनल 1 करोड़ रुपये जीतने के लिए 12 टीमें चाहिए, तो भाई उसके लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में दे रखा है, आप लिंक पर क्लिक करोगे पहुंच जाओगे इंस्टाग्राम पर, और वहां पर मेरा ब्रॉडकास्ट चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टॉस के बाद ब्रॉडकास्ट पर मैं 12 टीमें डालता हूं। ठीक है, 1.5 लाख लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, अगर आपने नहीं किया तो जाकर कर लीजिएगा। अब आगे बात करें स्मॉल लीग की टीम की, तो स्मॉल लीग की टीम आप देखोगे विकेट कीपर मैंने 4 लिए हुए हैं, पूरन डिकॉक, केएल राहुल और आपके फिलिप साल्ट। आप यहाँ पर चाहो तो क्विंटन डिकॉक और लोकेश राहुल या फिलिप साल्ट में से किसी को ड्रॉप करके स्टोनिस के साथ जा सकते हो, लेकिन मैं नहीं जा रहा हूँ। पूरन को मैं इसलिए ड्रॉप नहीं कर रहा, इस ग्राउंड में बंदा 50 से नीचे बात ही नहीं करता। बैटिंग मैंने अय्यर को लिया हुआ है, आप यहाँ पर रघुवंशी को ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं पूरन के साथ अय्यर के साथ जा रहा हूँ। ऑलराउंडर सेक्शन में रसल, आपके नारायण और कुणाल पांड्या, आप कुणाल पांड्या की जगह पर भी चाहो तो स्टोनिस को ले सकते हो। कुणाल पांड्या 4 ओवर डालते हैं, स्टोनिस 1-2 ओवर डालते हैं, लेकिन स्टोनिस 2 डाउन बैटिंग करते हैं, आजकल ऊपर बैटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर बैटिंग में चलते हो तो स्टोनिस आपके लिए अच्छे प्लेयर होंगे। नवीन उलग, वैभव और स्टार्क, ये मेरे 3 बॉलर्स होंगे, इसमें आप ले सकते हो यहाँ पर बिश्नोई को या आपके वरुण चक्रवर्ती को। तो ये हो गई मेरी टीम। अब इसमें अगर कुछ चेंज होता है प्लेइंग 11 के हिसाब से, पिच के हिसाब से, ठीक है, तो जो भी चेंज होगा मैं आपको टेलीग्राम पर फाइनल अपनी टीम दे दूंगा। तो इसलिए बार बार आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, कमेंट सेक्शन में जाओ, फैंटेसी क्रिकेट गुरु टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आपको टॉस के बाद फाइनल टीम मिलेगी, फ्री में गिवअवेज मिलेंगे, फ्री में टिप्स मिलेगी और बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री मिलने वाली है। तो चलिए मिलते हैं टेलीग्राम पर, बेस्ट ऑफ लक।